ये देखो ये रोड अभी तक मैप पे भी नहीं आई है, ये भी बहुत अनरेटेड रास्ता है पता है। ये देखो कितना खूबसूरत है, मैं गलत जा रहा हूँ क्या? ऐसा नहीं कि रोड आगे जाके ख़त्म हो रही हो भाई। ये मैप कहाँ लेके जा रहा है, ये रास्ता तो है नहीं मैप में अभी तक यार। ये थोड़ा रिस्की है, गूगल मैप पे रास्ता ना हो और नाइट में और ऐसे सुनसान रास्ते में फिर राइड करने में, तब समझ में आता है कि नाइट राइड का क्या रिस्क है अकेले सोलो राइड का। ये इतना सन्नाटा है ना, मुझे ठंड लग रही है लेकिन मेरी हिम्मत नहीं, मैं उतर के साइड में कहीं पे कुछ पहन लूँ। यूँ ही चला चल रहा ही, यूँ ही चला चल रहा ही, बड़ी हसीन है ये दुनिया। तो वेलकम टू रोड थ्रू जन्नत पार्ट टू। ये देखो इधर वापस से नमक का पैच चालू हो गया पूरा, और आगे शायद पानी है और इधर पूरा ऐसे बंजर टाइप का है, बट ये नमक का वापस से चालू हो गया क्योंकि ये पूरा टापू पे है ना ये धोलावीरा, तो इसलिए पूरा इस तरीके से है। देखो कुदरत भी कमाल की है, एक तरफ पूरा ऐसे क्या बोलते हैं ये सॉल्ट, और एक तरफ देखो जस्ट पूरा ऐसे वीराना बंजर, और वो होराइजन बन रहा है जैसे आसमां जो है धरती पे झुक रहा हो। ये आसमां झुक रहा है जमीन पर, ये मिलन हमने देखा यहीं पर, समझे? ऐसी बात है, आवाज़ बहुत ख़राब आई होगी, इग्नोर करना, फीलिंग को समझो, कितनी बढ़िया फीलिंग के साथ बता रहा हूँ मैं। मुझे अभी पता चला है कि आगे यहाँ से 20-25 किलोमीटर के बाद वापस से रन शुरू हो जाएगा, और वो चलेगा 15-17 किलोमीटर के आसपास, फिर हाईवे आ जाएगा। तो ये कच्छ वाले इस एरिया का मेरा कुछ पल का और इस रोड का साथ है। ये देखो मैंने बहुत लोगों को ना ऐसे बैठ के ट्रैवल करते देखा है, मोस्टली लोग ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं यहाँ पे। भाई गजब का मौसम है यहाँ पे, दिन में इतनी गर्मी थी कि चुभ रही थी, जैसे ही सूरज ढलना चालू हुआ है उधर देखो, ठीक है, जैसे ही सनसेट चालू हुआ है ना तैसे ही चालू हो गई ठंडी। अब रोड के साइड में ना अब जाके मुझे प्रॉपर घास दिखनी चालू हुई है, पूरे कच्छ में ऐसी घासें उगती हुई, मैं तो कटीले जंगले पेड़ कटीले पौधे वही दिख रहे थे, ऐसी हरी भरी घासें नहीं दिख रही थी। अब शायद आगे थोड़े टाइम के बाद से वेजिटेशन चालू हो जाएगा। ये जो दिख रहा है ना ये नमक का ढेर है, दिख रहा है, ये बाद में फिल्टर होके ये पूरा नमक का ढेर है, देखा, नमक ऐसे इकट्ठा करते हैं और फिर इसी को फिल्टर खिलाते हैं हमको। भैया ये नमक है क्या, ये क्या रखा हुआ है वैसे बना बना के ढेर? ये हाँ ये तो मिट्टी है, मिट्टी के, इसे मिट्टी है क्या? हाँ मिट्टी। अच्छा अच्छा अच्छा, इसका क्या घर बनाते हैं क्या इससे? नहीं नहीं घर में है। अच्छा ये बना दिए रखा भी होती है ना। हाँ अच्छा अच्छा, चीनी मिट्टी है वाला। हाँ यही से निकलता है ना। अच्छा ये चलिए थैंक यू। इसीलिए मैंने कहा कि पता कर लेते हैं क्या है, पता लगा मैं आपको नमक बोल दूं। नमक है। नमक भाई, नमक आपको बोल दूं और वो चीनी मिट्टी है, उसे से चीनी मिट्टी की प्याला वगैरह बनता है, वो मिट्टी यहाँ पे निकलती है, समझ रहे, चीन से नहीं आती भाई, मिट्टी यहाँ से आती है, चीन से नहीं है। फाइनली कच्छ का ये 15-16 किलोमीटर का स्ट्रेच चालू, और प्रॉब्ली ये लास्ट स्ट्रेच है कच्छ का, इसके बाद रानी की वाव के लिए मुझे हाईवे मिल जाएगा, नेशनल हाईवे मिल जाएगा। बट यार ये देख रहे हो ये भी रोड थ्रू हेवन से कम नहीं है, पता है।
ये भी बहुत अंडररेटेड रास्ता है पता है। ये देखो कितना खूबसूरत है, सही बता रहा हूँ। ये पता नहीं, इसको बहुत कम लोग जानते हैं, बट ये बहुत ब्यूटीफुल है। ये रोड टू हेवन का सेकंड पार्ट है पता है। वो रास्ता अभी थोड़ा बना नहीं है, बट ये शायद एक साल के अंदर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और फिर ये भाई अलग ही रहेगा। इसको भी प्रमोट करेंगे यहाँ तक ये लोग, बट अभी ही अच्छा है। ये देखो ये रोड अभी तक मैप पे भी नहीं आई है, जहाँ से गूगल मैप लेके जा रहा है ना, उल्टा सीधा लेके जा रहा है। देखो देखा, अभी गूगल मैप के ऊपर भी नहीं है रोड यदि। देखो रोड कितना ख़राब है, थोड़ा सा ऑफ रोडिंग टाइप का है, बट अच्छा है। मतलब आगे रोड रहे, गूगल कहाँ लेके जा रहा। देखो मैप के हिसाब से बाएं से रोड है, और मैं कहाँ जा रहा हूँ। अरे भाई इसके ऊपर जाना पड़ा क्या। ये रोडें मुझे बड़ी पसंद है, ऐसी रोडें ड्राइव करने के लिए बहुत मज़ा आता है, ऐसी रोडों पे ड्राइव करने में। यूँ ही चला चल रहा ही, यूँ ही चला चल रहा ही, बड़ी हसीन है ये दुनिया, बहुत हसीन दुनिया है भाई। यो 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 यो, अगर गिर गया ना मैं तो लाल रंग मुझे नहीं पसंद है, वो वाला लाल रंग मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। पत्थर के नीचे जो मिट्टी है ना, बड़ी ऐसे खसखस टाइप की है, एल्स इतना दिक्कत नहीं हो रहा है, बट वो अजीब सी है। और ये क्या है, रास्ता है क्या यहाँ पे है। वाह भाई, ये रास्ता जाएगा क्या, लोग जा तो रहे हैं इस रास्ते से। अच्छा पहले रास्ता अलग था, अभी ये नया बना रहे हैं, तो गूगल मैप में ये रास्ता भी है नहीं। देखो उधर से गाड़ी निकल रही थी पीछे से, पता नहीं यार उधर से गाड़ी निकल रही थी, ऐसा नहीं कि रास्ता, मुझे उधर से भी गाड़ियाँ चमकती दिख रही हैं। मैं गलत जा रहा हूँ क्या, ऐसा नहीं कि रोड आगे जाके ख़त्म हो रही हो। भाई ये मैप कहाँ लेके जा रहा है, ये रास्ता तो है नहीं मैप में अभी तक। यार ये थोड़ा रिस्की है, पूछता हूँ दादा। ये रानी की वाव के लिए रही रास्ता ना, रानी की वाव, रानी की वाव जाना था, लेकिन कुछ राधानंद क्या कौन सा जगह है। हाँ हाँ हाँ, ये सातलपुर जाएगा बाद में इधर ही। नहीं नहीं, यहाँ से आप निकल जाइएगा। हाँ निकल जाइए, इधर मुड़ना है इधर, ठीक है। हाँ आगे जाके हैवी मिल जाएगा, फिर आप सीधे चले जाएंगे। अच्छे रास्ता पूरा बना हुआ ना। नहीं नहीं, ऐसे मिलेगा थोड़ा आगे। हाँ मतलब रास्ता है ना, तो मैप जो दिखा रहा ना, यहाँ कुछ रास्ता दिखाई नहीं रहा है, इसीलिए मैं देखूँ पूरा कुछ रास्ता ही दिखा रहा, आगे पूरा खाली है, नया बनाना भी। हाँ अभी बनना है। हाँ इसलिए इधर मुड़ जाना, फिर सिंगल मिलेगा, फिर आगे जाके हैवी मिल जाएगा। अच्छा आगे दो रास्ते हैं क्या। नहीं इधर आगे सीधा जाके इधर नहीं मुड़ना, इधर मुड़ना इधर को राइट में। ठीक है जी, ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये देखो कैस्टर की खेती हो रही है भाई, इस सिचुएशन में भी इंफॉर्मेशन शेयर करने का। एनीवेज इसीलिए लोकल से कंफर्म कर लेना चाहिए, गूगल मैप के हिसाब से देखो कुछ नहीं है। गूगल मैप अगर मैं आपको दिख रहा है ना, अगर दिख रहा होगा तो ये बन जाएगा, ऐसा नहीं है ये बन जाएगा, बट अभी ये नया बन रहा है। देखो अगर मैं पूछा ना होता तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता कि ये ब्लॉक है, तो शायद मैं वापस लौटता, बट ये भी बन रहा है। रात में सुनसान सड़क पे ना भाई, ऐसा हाईवे मिल जाए तो सोचो क्या होगा, समझ रहे हो अब। अच्छा यहाँ से उसने राइट मारने को बोला है। गूगल मैप पे रास्ता ना हो और नाइट में, और ऐसे सुनसान रास्ते में फिर राइड करने में, तब समझ में आता है कि नाइट राइड का क्या रिस्क है, अकेले सोलो राइड का। लोग बोलते हैं ना
कि तुम्हारी ज़िंदगी सेट है, ऐसे गाड़ी लेके निकल गए घूम रहे हो, ऐसा नहीं होता भाई। जब ऐसे फंसते हो ना आप, तब समझ में आता कि हाँ अभी हाथ जाना है। पता नहीं ऊपर से रास्ता था, चले भाई ये ब्रिज बना है कि नहीं अभी तक? ओ बना है, आगे रास्ता है क्या? है, वाह 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 वाह, सुपर। एक बाइक आ रही है, वो बाइक का रोशनी नहीं है, वो उम्मीदों की किरणें जल जाती हैं जब कोई भी गाड़ी आती है। वाह, हेलो बे भाई, उधर झांक रही है, मैं ना मेरी फट गई, ये कपड़ा यहाँ लगा था इसको देख के भाई साहब। अब मुझे किधर जाना है इधर से? यहाँ अब आ गए मैप पे, फाइनली मिल गया हाईवे। बट सन्नाटा देखो भाई, ये इतना सन्नाटा है ना, मुझे ठंड लग रही है लेकिन मेरी हिम्मत नहीं, मैं उतर के साइड में कहीं पे कुछ पहन लूँ, क्योंकि विंटर लाइनर वगैरह मुझे सब वापस से पहनना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, पीछे बैग में रखा हुआ है, समझ रहे हो? ठंड भी लग रही है, अच्छी ठंड लग रही है। ओहो ये देखो भाई, ऐसे बंदे ना करवाते हैं एक्सीडेंट। इसकी गड्डी में लाइट देखो, ना लाइट है, ना बैक लाइट है, ना कुछ है, तो क्यों निकला हाईवे पे? तो डिनर डन, और हुआ कुछ ऐसा कि कुछ वजह से रानी की बहुत जा नहीं पाया, वहाँ जाएंगे कल, ठीक है। और यहाँ मैंने लिया है स्टे, तो वहाँ कल जाएंगे, और एक ऑफ बीट प्लेस और है जो कवर करेंगे कल, तो नेक्स्ट ब्लॉग में वो सब आएगा, वो मिस नहीं करना है। फिलहाल अभी सोएंगे जाके, सुबह निकलेंगे अर्ली मॉर्निंग, राइड स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए कुछ नहीं, जा रहा हूँ फटाफट, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्यार बांटते रहें, बाय।